नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मानसा गांव में। ये वही मानसा गांव है जहां पर जहां के रहने वाले थे सिद्धू मूसेवाला, और ये वही जगह है, ये जो लोकेशन है जहां पर खड़ी हुई हूं, इसी लोकेशन पर सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमला हुआ था। इसी जगह पर उन पर जानलेवा गोलीबारी की गई थी जिसमें उनकी जान चली गई थी। आप देख सकते हैं कि कुछ इसी तरह पूरे गाँव का जो माहौल है वो बेहद गमगीन बना हुआ है। लगातार यहाँ पर लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कई राज्यों से आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जिस तरह के पोस्टर्स आप मेरे सामने देख रहे हैं, लोगों ने इसी तरह के पोस्टर्स गांव पूरा मूसा गांव पूरा मनसा लगा पड़ा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला को लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है, और यही वो लोकेशन है जहां पर कोरोला और बुरेला गांव से उनके ऊपर शूटर्स ने जानलेवा हमला किया था। अब आपको फिलहाल वो एक कनेक्शन भी दिखाएंगे, हरियाणा का जो एक नया कनेक्शन एक आलीशान घर का, जहां पर शूटर्स ने हमले से पहले सारे हथियार संभाल कर रखे हुए थे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी चीज कि जैसे जैसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग गिरफ्तार हैं, इस हत्याकांड की साजिश कब से रची जा रही थी ये पूरी कहानी सामने आ गई है। खुलासा ये हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश इस बार अभी से नहीं बल्कि पिछले साल अगस्त से रची जा रही थी। ये तीसरा अटेम्प्ट था उन पर, तीसरा अटेम्प्ट था उनके मर्डर का, लेकिन जिसमें उनकी मर्डर हो गया। इससे पहले दो बार भी और अटेम्प्ट किए जा चुके थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तो उसी पर पेश है आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि बलदेव निक्कू ये वो व्यक्ति है जो कल गिरफ्तार हुआ था। और बलदेव निक्कू की तरफ से ये खुलासा हुआ है नए से जो कि सामने आए हैं कि सिद्धू मूसेवाला पर पहले इससे पहले इसी साल जनवरी के दौरान भी उन पर अटैक करने की कोशिश की गई थी। मई 2022 ये वही तारीख थी जिस दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से पंजाब समेत पूरा देश सन्न हो गया था। इस मर्डर मिस्ट्री की तहकीकात में जो बातें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था। इसका खुलासा बलदेव उर्फ निक्कू की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। बलदेव उर्फ निक्कू के कबूलनामे में जो राज सामने आए वो हैरान करने वाले थे। सिद्धू मूसेवाला को मारने से पहले तीन बार रेकी की गई थी। जनवरी में ही शूटरों के ग्रुप ने मूसेवाला के घर का दौरा किया था, और पिछले साल अगस्त में हत्या की योजना बनाई गई थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी चौंकाने वाली इस खबर का खुलासा बलदेव उर्फ निक्कू ने किया है। पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बलदेव उर्फ निक्कू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक निक्कू संदीप केकड़ा के साथ मूसेवाला की लगातार रेकी कर रहा था, और मूसेवाला की हर मूवमेंट की जानकारी कनाडा में बैठे गोल्डी बरार तक पहुँचाता था। मूसेवाला के मर्डर से पहले निक्कू ने केकड़ा के साथ इलाके का मुआयना किया। इस दौरान उसने मूसेवाला का पीछा किया और शूटरों को संकेत दिया था। बलदेव एलियस निक्कू को भी अरेस्ट करा है, जो कि केकड़े के साथ मेन रेकी करने में, फॉलो करने में और कांटेक्ट सीधा थ्रू गोल्डी ब्राड एंड सचिन टू इन्फॉर्म द शूटर्स कि उन काम करना है कि वे करना है एंड हाउ गिविंग ऑल द डिटेल्स। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के मुताबिक जेल में बंद मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ने कबूला कि विक्की मिदुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए पिछले साल अगस्त में मारने की योजना बनाई गई थी। इस योजना में गोल्डी बरार सचिन बिश्नोई और उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई थे, और हत्या से पहले कम से कम तीन रेकी की गई थी। जो इनिशियल प्लानिंग हुई है विद अलोंग विद गोल्डी बरार, सचिन, तपन उर्फ बिश्नोई और अनमोल, इनादे थ्रू इन्हें प्लानिंग की थी। इस गलवारी ने एडमिट की एंड ही ऑफ कोर्स हैज एडमिटेड टू बीइंग द मेन मास्टरमाइंड। इसके क्वेश्चनिंग में ये भी बात आ गया है कि पिछले साल अगस्त से ही ये काम स्टार्ट हो गया सीधा, दे प्लानिंग टू कैरी आउट दिस टास्क। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई और करीबी सहयोगी सचिन थापन को बचाने के लिए एक और साजिश रची। इस योजना को अंजाम देने के लिए उसने अपने भाई अनमोल बिश्नोई और सचिन थापन के फर्जी ब्यौरा देकर पासपोर्ट हासिल किया, और इस हत्या को अंजाम देने से पहले
उन्हें देश से भगा दिया। सचिन बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी सचिन थापन का आपराधिक इतिहास रहा है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो जोधपुर जेल में था जहां से उसे 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसने फर्जी ब्यौरे के तहत अपना पासपोर्ट हासिल किया था। इसी तरह सचिन थापन पर भी 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसने भी फर्जी तरीके से आरटीओ दिल्ली से पासपोर्ट हासिल किया था। इस दौरान मूसेवाला मर्डर में एक और पर्दाफाश हुआ। मूसेवाला को मारने के लिए आए शूटर फतेहाबाद जिले के करीब 8-9 ठिकानों पर रुके हुए थे और हत्या को अंजाम देने से पहले जब जब मानसा रेकी करने जाते तब तब उन्हें अलग अलग ठिकानों पर गोल्डी के गेस्ट बनाकर रुकवाया जाता था ताकि किसी को शक ना हो। इन शूटरों को ऐसी जगह पर रुकवाया जाता था जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। हर रेकी के बाद गोल्डी बरार प्रियव्रत मौजी को रोकने की जगह बताता था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फतेहाबाद से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ऐसे सुनने में आ रहा है कि बलदेव निक्कू ने सिद्धू पर अटैक से पहले 3 बार रेकी की थी। बलदेव निक्कू की भूमिका कितना अहम रोल प्ले करती है इसमें? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जैसे जैसे कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी तो उसी तरह से खुलासे होते जाते हैं और जांच एजेंसियां इसको बखूबी जानती हैं। और यहाँ पर पंजाब पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा और जो केकड़ा इससे पहले जिसको ये कहा जिसने पूरी रेकी करी थी और बाकायदा सेल्फी ली थी खुद मूसेवाला के साथ और उसके बाद अपने दोस्तों को उस सेल्फी की फ़ोटो भेजी थी और साथ ही गोल्डी बरार से संपर्क किया था, तो ये सारी कड़ियाँ जुड़ने के बाद इस नए नाम बलदेव उर्फ निक्कू का सामने आया। और निक्कू वही शख्स है जिसने अपने साथी के साथ ठीक उसी दिन सेल्फी ली थी और उससे हाथ मिलाया था। उसके बाद इन लोगों ने उस पूरे मामले में पीछा भी किया था सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का और उसके बाद अपने दोस्तों को ये बताया था कि ये जानकारी शूटरों तक पहुंचा दो और शूटर तक की जानकारी पहुंची और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ हमला हुआ था। तो ये बहुत अहम कड़ी है क्योंकि इससे पूछताछ होगी तो ये पूछताछ आगे जाएगी कई लोगों के कई और रैकेट। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दे रही है कि दिल्ली पुलिस ने फतेहाबाद से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। नाम है विक्रम अवकाला और इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है फतेहाबाद से। जी हाँ, ये उस होटल के मालिक है, उस होटल के पार्टनर है जिस होटल में शूटर्स रुके हुए थे। तो इसी पर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं लगातार, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 लोगों को फतेहाबाद से गिरफ्तार किया है। नाम है विक्रम और काला और ये वो लोग हैं जो उस होटल के मालिक हैं जिस होटल में सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स रुके हुए थे, जिस होटल में वहाँ पे तमाम ये हथियारों का जखीरा रखा गया था, चाहे सारी प्लानिंग की जा रही थी, उस होटल के ये पार्टनर्स हैं। तो वहाँ से फिलहाल इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है फतेहाबाद से। फतेहाबाद से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता देते हैं कि दोनों जो शूटर्स हैं इनके नाम है विक्रम और काला। इन लोगों को दिल्ली पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। मूसेवाला के कातिल हैं जिस होटल में ठहरे हुए थे, उसी होटल के ये लोग पार्टनर्स हैं और दोनों के नाम है विक्रम। तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से जो लगातार गिरफ्तारी हुई है प्रियव्रत फौजी और अंकित के बाद, अब फतेहाबाद से दिल्ली पुलिस ने इन 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। नाम है विक्रम और काला, ये उसी होटल के पार्टनर्स है जिस होटल में सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स रुके हुए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फतेहाबाद से। तो दीपक हमारे साथ फतेहाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक से जानेंगे, दीपक क्या कुछ पूरा अपडेट है इस मामले पर? देखिए, मैं स्पष्ट जानकारी दे दूं यहाँ पर शिवांगी कि काला और विक्रम वो शख्स हैं जिनको जो पिछले 4 लोगों की हिरासत हुई थी जिसमें नवदीप और उसके साथ ही उसका भाई मनीष था, पवन और प्रदीप, ये लोग दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में शामिल हुए थे। पूछताछ के बाद इनसे जानकारी मिली कि काला और विक्रम नाम है जो सावरिया होटल एक नेशनल हाईवे 9 पर है, उसके ओनरशिप उनके पास है, पार्टनरशिप में वो लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर 29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तो ये यहाँ पर 4 लोग पहुँचे थे जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड जो झज्जर के रहने वाले सुमित नाम के एक शख्स का था उसकी आइडेंटिटी पर 4 लोगों को होटल में ठहराया था। उनमें
काला ने काफी अहम भूमिका निभाई थी और इसको लेकर काला और विक्रम को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है, क्योंकि नेटवर्क के तार जुड़े हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए जितने भी इस वक्त दीपक आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक और जो बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब एक पाकिस्तानी एंगल भी सामने आ गया है। जी हाँ, कल दिल्ली पुलिस ने जिन दो लोगों की गिरफ्तारी की थी, प्रियव्रत फौजी और अंकित, उन लोगों को कहा जा रहा है कि उनको हथियारों की जो सप्लाई हुई थी ड्रोन के जरिए वो पाकिस्तान से हुई थी। तो पाकिस्तान का भी एक नया एंगल सामने आया है इस पूरी खबर में कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जो साजिश रची गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी भूमिका सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कनाडा में नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ पाकिस्तान का भी इसमें नाम जुड़ गया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी हुई थी। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हैंड ग्रेनेड, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, डेटोनेटर, AK-47 और मूसे वाला का मर्डर। सिंगर मूसेवाला मर्डर हत्याकांड को अंजाम देने के लिए एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार है और इन्हीं हथियारों की मदद से शूटरों ने दिन दहाड़े मूसेवाला के कत्ल को अंजाम दिया। अब इन हथियारों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। सिंगर मूसेवाला की हत्या का पाकिस्तान कनेक्शन, पाकिस्तान से आए मूसेवाला को मारने के लिए हथियार, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजे गए घातक हथियार। दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी और उसके दो साथियों से पूछताछ के बाद के दावा किया कि हत्या में शामिल घातक हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। इन हथियारों में 8 हैंड ग्रेनेड, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 डेटोनेटर और 1 AK-47 भी शामिल थी। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलोंग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं, 1 असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स, 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ 0.30 बोर, 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और 1 पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। दिल्ली पुलिस की जांच में इस बात का भी पता चला है कि पाकिस्तान से भेजे गए हथियार पंजाब के तरन तारण पहुंचे, जिसके बाद इन हथियारों को शूटरों के दो मॉड्यूल को लीड कर रहे प्रियव्रत और फौजी तक पहुंचाया गया। दावा है कि हत्याकांड से करीब 2 हफ्ते पहले ही हमलावरों के पास पाकिस्तान से आए हथियार पहुंच गए थे। पुलिस का दावा है कि इन हथियारों की डेड ड्रॉप डिलीवरी हुई थी, मतलब ये कि हथियार लेने वाला और हथियार देने वाला एक दूसरे को नहीं जानते थे। शूटर फौजी से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि हथियारों की डिलीवरी लॉरेंस गैंग के जैक स्पैरो ने की थी। असल में जैक स्पैरो गैंग का वो सदस्य है जिसे कोई नहीं जानता और ना ही पुलिस के पास उसका कोई हुलिया है। वो कैसे काम करता है और किस तरह हथियारों को शूटरों तक पहुंचाता है इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं है, इसलिए उसे जैक स्पैरो का नाम दिया गया है, जो हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का एक किरदार है जो दुश्मनों को चकमा देने में माहिर होता है। पुलिस अब बिश्नोई गैंग के जैक स्पैरो की पहचान करने और उसे पकड़ने में जुट गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि हरियाणा के एक आलीशान घर में शूटर्स ने उन हथियारों को छुपा कर रखा था जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था सिद्धू मूसेवाला के मारने के लिए। जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो शूटर्स ने, वो हथियार हरियाणा के एक आलीशान घर में छिपा कर रखे हुए थे। आपको बता दें कि प्रियव्रत फौजी और अंकित ये वो दो शूटर हैं जिन्हें फिलहाल दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है और उसके बाद जो एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं उसमें एक बड़ा खुलासा जो सामने आया है वो ये है कि हरियाणा के एक आलीशान घर में इन शूटर्स ने तमाम हथियारों को छुपा कर रखा था जिनका इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में हुआ था। उसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट।
तो बड़ी खबर एक और आपको बताए थे, दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस है उसकी गिरफ्त में प्रियव्रत फौजी और अंकित जो कि हत्यारे हैं सिद्धू मूसेवाला के, उन्होंने शूटर्स हैं उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। और एक के बाद एक जो तमाम नए खुलासे हो रहे हैं, एक बड़ा खुलासा सामने आया है वो ये है कि हरियाणा के एक आलीशान घर में उन्होंने उन हथियारों को छिपा कर रखा था जिनका इस्तेमाल हुआ था सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में। उसमें AK-47 ग्रेनेड समेत ऐसे कई हथियार थे जो कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए लाए गए थे, उनका इस्तेमाल हुआ था। और ये वो तमाम हथियार हैं जिनको उन्होंने हरियाणा के एक आलीशान घर में छिपा कर रखा था। इस घर में प्रियव्रत फौजी और अंकित जो होटल कारोबारी प्रदीप है उसके साथ गए थे और इसी घर में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं कि जो बड़ा अपडेट अब सामने आया है वो ये है कि हरियाणा कनेक्शन एक सामने निकल कर आया है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का। हरियाणा कनेक्शन ऐसे है कि हरियाणा के एक आलीशान घर में फटाफट तो आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं कि हरियाणा से आ रहा है इस खबर पे ज्यादा जानकारी आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के अब आपको लेकर चलते हैं। आप इस खबर पर लगातार अपडेट्स हमारे बने रहेंगे। फिलहाल स्टूडियो में आपको लेकर चलते हैं, वहां से जानेंगे कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। जी, और इधर हरियाणा का किरमारा गांव ही है जहां दोनों शूटर्स रुके हुए थे और इसका खुलासा तब हुआ जब प्रियव्रत उर्फ फौजी गिरफ्तार हुआ। प्रियव्रत ने पुलिस को बताया है कि हरियाणा के किरमारा गांव में शूटर प्रियव्रत अपने साथी अंकित के साथ रुका हुआ था। शूटर प्रियव्रत फौजी और अंकित कई घंटे तक इस घर में रुके थे। हत्या से पहले किरमारा गांव में दोनों ने काफी देर तक मर्डर की प्लान को तैयार किया। प्रियव्रत फौजी और अंकित फतेहाबाद के कार डीलर प्रदीप के साथ आए थे और किरमारा गांव के आलीशान घर पर दोनों ने ग्रेनेड और AK-47 के पार्ट्स छिपाए थे। रमेश नाम के कार डीलर का ये मकान है जिसके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया गया है। तो हरियाणा के जिस घर में शूटर्स रुके थे प्रियव्रत फौजी और अंकित, इस घर में उन्होंने हथियार छुपा रखे थे, वहां पर दीपक मौजूद है। उस पर स्पेशल रिपोर्ट एक देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ है और दीपक के जरिए जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। वहां पर दीपक के जरिए हमने पूरी खबर पे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले साजिश भी इस घर के एक कमरे में की गई थी जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी, ना ही गांव वालों को और ना ही घर के लोगों को कुछ जानकारी थी। कोई भी इस घर में नहीं जानता था कि यहां पर सिद्धू मूसेवाला के जो शूटर हैं वो यहां पर पहुंचे थे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले इस कमरे के अंदर प्रियव्रत और फौजी और अंकित यहाँ पर प्रदीप नाम के एक कार डीलर के साथ पहुँचे थे और परिवार के लोगों को नहीं पता था कि वो उनकी मंशा क्या थी, क्योंकि जब परिवार के लोगों में सिर्फ घर की महिला थी और परिवार के कोई भी यहाँ पर शख्स नहीं था, तो उसी दौरान प्रदीप नाम के उस शख्स ने प्रियव्रत फौजी और जो अंकित था उनके पास हथियारों का एक बैग था, उस बैग को इस स्टोर रूम के अंदर रख दिया। ये मैं आपको स्टोर रूम दिखाना चाहूँगा और बताया जा रहा है कि उस जगह पर उस बैग को रखा गया था ताकि घर के किसी मेंबर की नज़र उस पर ना पड़े, क्योंकि इस घर के दो लड़कों को भी पुलिस पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर गई है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसी घर के इस स्टोर रूम से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ था किया था और उसमें जो AK-47 के कई पार्ट्स थे और पिस्टल थी और उसके साथ ही यहाँ पर डेटोनेटर थे, लॉन्चर भी यहाँ पर कुछ हिस्सा लॉन्चर का रखा गया था। ये वो चीज़ें थी, ये बताया जा रहा था कि स्पेयर के लिए ये पार्ट्स रखे थे, क्योंकि इनके पास हथियारों का जखीरा कम से कम लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा हथियार लेकर चलते थे और यही वजह थी कि हथियारों का ये बैग इस स्टोर रूम में था और यहाँ पर किसी को भी इसकी भनक नहीं थी। जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रविवार को यहाँ पहुँची थी और 5 दिन पहले यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने पूछताछ करी और जो परिवार के लोग थे उनसे पूछताछ करी और यहाँ पर जो दो लड़के नवदीप और उसका भाई मनीष थे जो दोनों यहाँ पर काम करते थे कार डीलर का, उनके साथ यहाँ पहुँची और यहाँ पर उनकी से पूछताछ की, उनके परिवार से पूछताछ की और उन दोनों लड़कों को लेकर पूछताछ के लिए चली गई। देश का जितना विधायक गण है सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, असम में आइए। अब हमारा चैलेंज ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी, वही आज हो रहा है।
राजधानी मुंबई से 2800 तकरीबन किलोमीटर दूर गुवाहाटी में इस वक्त सबकी निगाहें इस बात से टिकी हुई है, क्योंकि संकेत यहां से ये मिल रहा है कि शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे, वो उद्धव को संकेत के जरिए ही बता रहे हैं कि सत्ता की चाबी अब आपके हाथ में नहीं है, आप किंग मेकर की भी भूमिका में अब नहीं बचे हैं, ये संकेत के जरिए। संकेत की अगर हम बात करें तो सियासत में इसके कितने मायने होते हैं, शरद पवार ने संकेत में कल पीसी के जरिए ये बता दिया कि सरकार बनाना इतना आसान काम महाराष्ट्र में नहीं है। और इस बीच अपडेट तो ताजा ये है कि तमाम आंकड़ों के बीच संकेत में ही हमारे सहयोगी न्यूज 18 के सहयोगी से सीधे एकनाथ शिंदे ने यह कह दिया कि बात निकली है, बहुत दूर तक जाएगी और इतने दूर तक जा चुकी है कि बात संभलेगी नहीं। मैं अकेला कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता और हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। जो गठनीता है, जो चेंज किया वो इलीगली चेंज किया। महाराष्ट्र की सियासत पर सबसे बड़ी खबर, उद्धव के ऑफर पर शिंदे का बहुत बड़ा बयान, न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। महाराष्ट्र की सियासत का जो समर चल रहा है उसका नतीजा अगले कुछ घंटों में आ सकता है। अगले कुछ घंटों में यह पता चल सकता है कि शिंदे के दांव में दम है या उद्धव ठाकरे की डिफेंसिव पॉलिटिक्स में। लेकिन इन नतीजों की खबर से पहले एकनाथ शिंदे का वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने न्यूज 18 संवाददाता विवेक गुप्ता से बातचीत के दौरान दिया है। सवाल था, अगर महाविकास अघाड़ी डिप्टी सीएम या सीएम का ऑफर दे तो क्या आप विधायकों को लेकर आएंगे? सर, अगर महाविकास अघाड़ी सर आपको ऑफर देती है कि हम आपको डिप्टी सीएम या सीएम बना देते हैं और आप सारे विधायकों को लेकर वापस आ जाइए, ऐसा मैं अकेला कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। मेरे जितने भी सहयोगी है उनके साथ जो भी डिसीजन लेना है वो चर्चा के बाद, बैठक के बाद ही मैं ले सकता हूँ। मैं अकेला कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता और हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। कि मैं अकेला कोई फैसला नहीं ले सकता, सबसे चर्चा के बाद ही फैसला ले सकता हूँ, अकेला कोई निर्णय नहीं लेना चाहता, हम लोग अब काफी आगे निकल चुके हैं। अब जरा संजय राउत का वो बयान भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे से अपील करते हुए कहा था कि सामने आकर बात करो तो महाविकास अघाड़ी भी छोड़ देंगे। अघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं आइए हम बाहर निकलेंगे। अघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं आइए हम बाहर निकलेंगे। अघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं आइए हम बाहर निकलेंगे। लेकिन खुद एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि किसी समझौते के कोई आसार नहीं, क्योंकि शिवसेना के बागी विधायकों की बड़ी फौज उनके साथ खड़ी है जो पूरे भरोसे के साथ उन तक आई है। हाँ, और इस वक्त हम मातोश्री के बाहर ही मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह के दावे प्रतिदावे शिवसेना और उसके बागी विधायकों की ओर से किए जा रहे हैं, ऐसे में कड़ा रुख अख्तियार किया गया उद्धव ठाकरे की ओर से कि आखिर आगे क्या होने वाला है महाराष्ट्र के इस सियासी महासंग्राम के बीच। लेकिन इस पूरे महाराष्ट्र के महासंग्राम के बीच सबसे ज्यादा निगाहें किसी एक शख्स पर है तो उसका नाम है एकनाथ शिंदे, जिनके साथ अभी बड़ी तादाद में महाविकास आघाड़ी के विधायकों की मौजूदगी का दावा किया गया है। लेकिन अगर उनका दावा है कि उनके पास 50 से ज्यादा विधायक हैं, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं, पूरी ताकत के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार बनी हुई है। लेकिन बड़ी बात ये कि आखिर कौन है ये एकनाथ शिंदे जो अचानक महाराष्ट्र की सियासत में इतनी तेजी से चर्चा का विषय बनने लगे हैं? क्या ये अभी अभी हुआ या पिछले कई दिनों से लगातार इसकी रणनीति बन रही थी? कौन है एकनाथ शिंदे, एक नजर इस पर भी डालिए। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को राजनीतिक संकट के भंवर में फंसा दिया है। ऑटो चलाने से लेकर ठाणे का ठाकरे कहलाने तक एकनाथ शिंदे ने लंबा और उतार चढ़ाव वाला राजनीतिक सफर तय किया। आज उन्होंने उद्धव ठाकरे को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उनके हाथों में सरकार और पार्टी दोनों जाती हुई दिख रही है।
हाथ में शिवसेना का झंडा लिए हुए और हिंदुत्व को अपनी आत्मा में संजोए रखने वाले चेहरे का नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने अपना राजनीतिक सफर बाला साहब के चेहरे और नाम से शुरू किया। हिंदुत्व को आगे रखकर वोट मांगा और विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया। शिंदे को शिवसेना में जाने की प्रेरणा बाला साहब ठाकरे से नहीं मिली थी, बल्कि उस वक्त के ठाणे के कद्दावर नेता आनंद दीघे से मिली थी। आनंद दीघे से प्रभावित होकर ही एकनाथ शिंदे शिवसेना में शामिल हुए थे। शिवसेना में शामिल होने के बाद शिंदे पहले शाखा प्रमुख बने, उसके बाद ठाणे म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कारपोरेटर चुने गए। शिवसेना में एकनाथ शिंदे इकलौता नाम है जो ठाकरे परिवार से अलग भी अपनी सियासी पहचान बनाने में कामयाब रहे। 59 साल के शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। उनकी इमेज एक कट्टर और वफादार शिवसैनिक की रही है। कुछ साल पहले तक अगर किसी शिवसैनिक को पार्टी में अपनी बात रखनी होती थी तो सबसे पहले शिवसैनिक एकनाथ शिंदे की ओर देखते थे। शिंदे की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त में ठाणे में पार्टी का वर्चस्व उन्हीं के मेहनत के बल पर बन पाया था। एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दीघे की 2001 में एक दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद ठाणे इलाके में शिवसेना का वर्चस्व कम होने लगा। बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त शिवसेना की कमान ठाणे के इलाके में एकनाथ शिंदे को सौंप दी, क्योंकि एकनाथ शिंदे शुरुआत से ही आनंद दीघे के साथ रहे थे और लोगों का भरोसा भी एकनाथ शिंदे पर बहुत ज्यादा था। इसीलिए इस इलाके में शिवसेना प्रमुख ने आनंद दीघे की जगह पर उनकी विरासत संभालने के लिए एकनाथ शिंदे को कमान दे दी। एकनाथ शिंदे जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली थी, जिन्होंने अपनी राजनीति शून्य से शुरू की और आज वो महाराष्ट्र में सबसे ताकतवर चेहरा बनकर उभरे हैं। साथ ही उनका नाम सीएम पद के दावेदार के रूप में भी सामने आ रहा है। सीएम पद की दावेदारी इसलिए क्योंकि 3 साल पहले वो सीएम बनते बनते रह गए थे। जब ये तय हो गया था कि शिवसेना का ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पोस्टर शहर शहर गांव गांव नजर आने लगे थे। मुख्यमंत्री के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे का नाम उछाला जा रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा था कि एक शिवसैनिक ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इससे पहले कि विधायक दल की कोई बैठक होती और विधायकों से कोई सवाल जवाब होता, मातोश्री से शिवसैनिकों के लिए एक चिट्ठी बाहर आई जिसमें उद्धव ठाकरे का नाम लिखा था। इसके बाद इस नाम पर किसी को ना कहने की हिम्मत ना हुई। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही रह गया। संजय राउत के बढ़ते कद से एकनाथ शिंदे पार्टी में किनारे होते जा रहे थे। शिंदे को पार्टी के अहम फैसलों से दूर रखा जाता था। हाल ही में हुए राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। तमाम मुश्किलों के बावजूद एकनाथ शिंदे और उद्धव साथ साथ चलते रहे। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि शिंदे सही समय का इंतजार कर रहे थे और राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में जैसे ही क्रॉस वोटिंग हुई, एकनाथ शिंदे को मौका मिल गया। उन्हें पता चल गया कि वो अकेले शिवसेना में नाराज नहीं है। इसके बाद एकनाथ ने नाराज विधायकों के साथ बागी होने का फैसला किया। की गलियों से निकलकर ही एकनाथ शिंदे आज मुंबई के बेताज बादशाह बनने की राह पर हैं। उन्हें ठाणे का ठाकरे भी कहा जाने लगा है। ठाणे में चारों तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थन के पोस्टर लगे हुए हैं। अगर आप देखिए इस चौराहे पर भी तो आम्ही भाई समर्थक, इस पे लिखा है कि हम भाई के समर्थक हैं, यानी एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं। और वहां पर सिर्फ दो लोगों की फोटो है, एक तो बाला साहब ठाकरे, दूसरे आनंद दीघे जो एकनाथ शिंदे के गुरु थे। उनसे ही राजनीति का ककहरा सीखकर और ठाणे से मुंबई तक का और शिवसेना में नंबर दो की हैसियत तक जाने का सफर तय किया था एकनाथ शिंदे ने। ठाणे की सड़कों पर आपकी नजर जहां भी जाएगी आपको एकनाथ शिंदे की फोटो नजर आएगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी संभालने के बाद ये सबसे बड़ी बगावत है। एकनाथ शिंदे ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि हम बाला साहब के सच्चे शिवसैनिक हैं। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही, पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। उधर इस पूरी रसाकसी के बीच एकनाथ शिंदे के समर्थकों का जमावड़ा उनके ठाणे के घर पर लगा हुआ है और हर किसी को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो भी होगा वो अच्छा होगा।
भले ही गुवाहाटी में है लेकिन उनके समर्थक उनके घर पर ठाणे में लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। नगर सेवक बहुत सारे लोग हैं उनके समर्थन में यहाँ आए हैं। किस लिए आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं? शिंदे साहब तो गुवाहाटी में, शिंदे साहब गुवाहाटी में, घर तो हमारा घर तो यहीं पर है। घर में हम लोग मिलने आए थे, डॉक्टर साहब को मिलने गए थे, वैनी जी को मिलने को आए थे। अच्छा, हाँ अभी क्या है, कुछ बात हो तो आप लोगों की हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। जो होगा अच्छा होगा। क्या होगा? जो होगा वो अच्छा ही होगा, बुरा कुछ होगा हमारे शिंदे साहब कुछ बुरा करेंगे नहीं। अच्छा, कट्टर शिव सैनिक की छवि रखने वाले एकनाथ शिंदे ने 1980 में शिवसेना का दामन थामा। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत पार्षद बनने से हुई थी, लेकिन उससे पहले वो ऑटो रिक्शा भी चलाते रहे हैं। उन्होंने मुंबई में शुरुआत में छोटा मोटा काम भी किया, फिर घर चलाने के लिए ठाणे में ऑटो चलाया। साल 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार चार बार महाराष्ट्र विधानसभा में चुने गए। 2014 में जीत के बाद उन्हें शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया था, फिर वो महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। जैसे जैसे एकनाथ शिंदे का कद राजनीति में बढ़ा, उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ी, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार और पार्टी में आदित्य ठाकरे का दखल बढ़ा और एकनाथ शिंदे हाशिए पर पहुंचा दिए गए, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत का फैसला किया। महाराष्ट्र के पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि बीजेपी ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन अब बीजेपी को लेकर संजय राउत, शरद पवार ये सभी हमलावर हो चुके हैं और हमला करने के लिए उनके पास जो सटीक वजह है उनके हिसाब से वो ये है कि पहले विधायकों को महाराष्ट्र से ले जाकर कहां शिफ्ट किया जाता है, पहले सूरत। क्यों एपी सेंटर बना हुआ है सूरत वो भी हम आपको बताएंगे, और इसके अलावा मौजूदा वक्त में गुवाहाटी में ये सभी विधायकों की मौजूदगी है और दोनों ही जगहों पे यानी गुजरात में असम में दोनों जगह पे बीजेपी की सरकार है और यही वजह है कि संजय राउत हो शरद पवार हो ये दोनों सवालों के घेरे में बीजेपी को ले रहे। एक रिपोर्ट देखिए आप, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों बीजेपी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सियासी घमासान पर बीजेपी चुप, बीजेपी को किस बात का इंतजार? महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच बीजेपी खेमे में शांति है। अब तक बीजेपी नेताओं की तरफ से इस पूरे सियासी घमासान पर सभी बयान सामने आए। बीजेपी नेताओं की तरफ से महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला गया, लेकिन पार्टी की तरफ से खुलकर अब तक कोई पहल होती नहीं दिखी। माना जा रहा है कि बीजेपी तब तक खुलकर सामने नहीं आना चाहती जब तक उसे पूरी तरह भरोसा ना हो जाए कि शिवसेना में हुई इस बगावत का फायदा उसे मिल सकता है। महाराष्ट्र के इस सियासी महासंग्राम के बीच बीजेपी बेहद फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह की छेछा लेदर हुई थी वो नहीं चाहती कि ऐसी छेछा लेदर की नौबत एक बार फिर से आए। इसलिए दो विधायक जो बागी होकर गए तो थे गुवाहाटी लेकिन वापस लौट कर यहाँ आ गए, कैलाश पाटिल और नितिन देशमुख, क्या ऐसे कहीं कोई और बागी वापसी ना करने लगे? इसीलिए अब जिम्मेदारी खुद एकनाथ शिंदे की है कि वो एक साथ अपने तमाम उन समर्थकों को मजबूती से गुवाहाटी में बनाकर रखें और इसके लिए एक एक कदम बेहद सोच समझ कर आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले अजित पवार के साथ थाने और फडणवीस को जल्दबाजी में शपथ दिलवाने की वजह से बीजेपी को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त पहले तो अजित पवार बीजेपी के साथ आकर खड़े हो गए थे लेकिन फिर आंकड़ों में ऐसा पेच उलझा कि बीजेपी की सारी मेहनत पर ही पानी फिर गया। और यही वजह है कि इस बार बीजेपी की तरफ से किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जा रही और पार्टी पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही किसी तरह का कदम आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। बीजेपी नेता वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहे हैं, शायद यही कारण है कि अभी तक बीजेपी ने कोई भी कदम सामने आकर नहीं उठाया। हालांकि खबर यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल शाम गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और वो देर रात तक मुंबई वापस भी आ गए। दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी शिवसेना में चल रही इस घमासान से किनारा करते हुए दिखे और उनकी तरफ से दावा किया गया कि इस विवाद के पीछे उनकी कोई भूमिका नहीं है। बार बार वही बोलते रहे कि भाजपा हमारी सरकार गिराने के चक्कर में है। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है, ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी, वही आज हो रहा है। कोई सेंट्रल मिनिस्टर धमकी देने वाला नहीं है, हम धमकी देंगे भी नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से भी शिंदे खेमे में गए विधायकों से संपर्क का दावा किया गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने तो शरद पवार से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने तक का दावा कर दिया।
आज बिल्डिंग मधून मी तुम्हाला सांगतोय महाविकास आघाडी मजबूत आहे आणि महाविकास आघाडीचं सरकार पुढलं 2.5 वर्ष राहिलेलं पूर्ण करेल आणि पुन्हा सत्तेत येईल जे गेले। अब तक शिंदे गुट की तरफ से किए जा रहे दावों और आंकड़ों के गणित से सत्ता पर कब्जे की यह लड़ाई उद्धव के हाथ से निकलती दिख रही है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी इस पूरी भागदौड़ में तभी सामने आएगी जब उसे सत्ता पाने का भरोसा हो जाएगा। महाराष्ट्र में इस वक्त सत्ता का महासंग्राम छिड़ा हुआ है और हम जबकि मौजूद हैं मातोश्री के बाहर, कुछ ही देर में शरद पवार यहाँ मिलने के लिए आने वाले हैं उद्धव ठाकरे से, लेकिन एक पड़ाव गुवाहाटी भी है। महाराष्ट्र की इस सत्ता की लड़ाई का एक पड़ाव गुवाहाटी है, लेकिन सिर्फ गुवाहाटी में सब कुछ नहीं हो रहा। उससे पहले दल बल के साथ एकनाथ शिंदे पहुंचे थे सूरत। आखिर सूरत को ही क्यों चुना गया, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और पूरी रणनीति, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की सियासत पर सबसे चौंकाने वाली खबर, कैसे लिखी गई महाराष्ट्र की सियासी स्क्रिप्ट। सूरत में शिंदे की सियासत की सीक्रेट फाइल। यह खबर किसी को भी चौंका सकती है, यह खबर महाराष्ट्र के सियासी संकट से पर्दा उठा सकती है, यह खबर हर उस किरदार को सामने ला सकती है जो शिंदे की सियासत की सीक्रेट फाइल्स का हिस्सा है। तो आइए आपको गुजरात से आई वो कहानी दिखाते हैं जिसने सूरत को महाराष्ट्र के सियासी संकट का केंद्र बना दिया है। 20 जून की वो तारीख थी जब एकनाथ शिंदे ने खुद को समर्थन देने वाले सभी विधायकों को गुजरात महाराष्ट्र सीमा पर पहुंचने को कहा। शिंदे के कहने पर 22 जितने विधायक अपने अपने चुनाव क्षेत्र से निकल पड़े, जिसमें से 5 विधायक पहले से शिंदे के साथ मौजूद थे। शाम का वक्त था, सभी विधायक गुजरात महाराष्ट्र सीमा पर पहुँच गए थे। उसके बाद एक एक करके गाड़ियाँ सूरत की ओर आगे बढ़ने लगी। क्या रणनीति है ये सबको पता था, लेकिन कहाँ जाना है और आगे क्या करना है इसकी भनक किसी को नहीं थी। आखिर क्यों शिंदे ने अपने समर्थकों से गुजरात महाराष्ट्र सीमा पर पहुंचने को कहा, इसे भी समझते हैं। इस बात का जवाब भी शिंदे के सीक्रेट फाइल्स में छिपा है। अगर इतने सारे विधायक मुंबई एयरपोर्ट से गुवाहाटी जाते तो लोकल आईबी को इसकी भनक लगती और उससे पहले ही के मामला ठंडा पड़ जाता। ऐसे में सावधानी बरतते हुए सड़क मार्ग से जल्दी पहुंचने के लिए सूरत को ही चुना गया, क्योंकि सूरत ही था जहां मुंबई से 3 घंटों के भीतर पहुंचा जा सकता था। इतना ही नहीं, सूरत को इसलिए भी चुना गया क्योंकि जिन विधायकों के चुनाव क्षेत्र गुजरात सीमा से सटे हैं वो जल्दी पहुंच सके। ये आसान इसलिए भी था क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा 3 जगहों पर मिलती है। शिंदे के साथ आने वाले 5 विधायकों का जत्था तलसारी बिलार यानी मुंबई अहमदाबाद को जोड़ती मुख्य सड़क से आगे बढ़ रहा था, जबकि कुछ नासिक डांग तो कुछ नंदुरबार तापी सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। यानी एक साथ अलग अलग व्हीकल में अलग अलग दिशा से कई विधायक सूरत की ओर आगे बढ़ रहे थे। शिंदे के लिए हालात ऐसे थे कि मुंबई के ही किसी करीबी शहर को रणनीतिक हिस्सा बनाया जाता। इसके लिए पहले तो पास के राज्य का चुनाव किया गया, उसके बाद मुंबई के नजदीकी शहर सूरत को चुना गया क्योंकि सूरत ही वो शहर था जहां एयरपोर्ट की भी सुविधा है। शिंदे ने जब अपने विधायकों को निकलने के लिए कहा तब ये भी साफ कर दिया था कि वो निजी सचिव या बाकी लोगों को साथ ना ले। कारण यही था कि मामला जितना हो सके गुप्त रहे। जो प्लान था उसके मुताबिक ही सारी रणनीति को अंजाम दिया गया। प्लान के मुताबिक ही शिंदे के साथ रहे 5 विधायकों का काफिला सूरत के होटल पहुंच चुका था। बाकी विधायक भी अलग अलग सड़क के रास्ते सूरत के आलिशान होटल पहुंच चुके थे। जब वो गुजरात सीमा में दाखिल हो रहे थे तब उन्हें अपना मोबाइल बंद रखने को कहा गया था। जब जरूरत होती थी तभी शिंदे या फिर रणनीतिकारों से अलग नंबर से संपर्क करने को कहा गया था। रात को 10:30 बजे तक 22 जितने विधायक होटल पहुंच चुके थे और होटल में पहले से ही 50 कमरे बुक कराए जा चुके थे।
लेकिन और एक बेहद अहम और बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त मातोश्री के बाहर हम मौजूद हैं और कुछ ही देर में शरद पवार भी यहां पहुंचने वाले हैं, अजीत पवार भी यहां पहुंचेंगे और ये एक बेहद अहम केंद्र इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत का बना हुआ है। इस वक्त हम मातोश्री के बाहर ही मौजूद हैं, शरद पवार कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे, अजीत पवार भी होंगे, 6:30 बजे एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। शरद पवार जो कि इस पूरी महाविकास आघाड़ी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर माने जाते हैं, उनके ही निर्देशन में इस पूरी महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौजूदगी इसी मातोश्री में होगी जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले एनसीपी और शरद पवार की ओर से लगातार नैतिक रूप से सलाह दी जा रही थी। ये बात कही जा रही थी कि शिवसेना का आंतरिक मसला है, इसे किसी भी तरह से उन्हें शांत करना चाहिए, लेकिन अब लगता ये है कि इस पूरी छिड़ी हुई महाभारत में एक भीष्म पितामह की भूमिका में शरद पवार सामने नजर आ सकते हैं। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ 1 रुपए में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर्स पाएं।